हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं गॉसिप टाउन। चारू सोपा और राजीव सेन का रिश्ता ऐसा है कि भाई समझ ही नहीं आ रहा। यूं तो ये दोनों साल 2019 में एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, इन दोनों ने शादी कर ली, लेकिन शादी के कुछ दिनों बाद ही दोनों की शादीशुदा जिंदगी तनाव भरी नजर आने लगी, जिसके बाद अब इन दोनों के रिश्ते में खटास आ गई। बीते दिनों ये इन दोनों की जो शादी है वो तलाक तक पहुंच गई, लेकिन फिर इन दोनों ने सोचा, समझा और अपनी बेटी नन्ही सी जियाना के लिए बड़ा कदम उठाया और दोनों गणेश चतुर्थी के दिन साथ आ गए और सोशल मीडिया पर ढेर सारा इन पर प्यार भी बरसा फैंस का और इन्होंने भी अपने प्यार की एक बार फिर से शुरुआत करी। फैंस बहुत ज्यादा खुश हो गए, इन तीनों को हैप्पी फैमिली बताने लगे, लेकिन बदलते वक्त के साथ या फिर यूं कहें कि कुछ ही दिनों में इनका प्यार भी सिमट सा रहा है। करवा चौथ पर इन दोनों का फिर से झगड़ा हो गया। झगड़े की वजह फिलहाल साफ नहीं है, लेकिन अब फिर एक बार ये दोनों आ गए हैं करीब। जी हाँ, इन दोनों के बीच की दूरियां फिर से खत्म होती नजर आ रही हैं। दरअसल चारू और राजीव की ननी सी जियाना, जो कि अभी एक साल की भी नहीं है बेटी, उसको डेंगू हो गया, जिसकी वजह से वो अस्पताल में भर्ती हो गई और अब ये माँ बाप बनकर अपनी बेटी की बहुत ज्यादा केयर करते नजर आ रहे हैं। भिलवाना में चारू और सोपा की बेटी का ट्रीटमेंट चल रहा है, वो अस्पताल में भर्ती थी, दो दिन तक लगातार वो डॉक्टरों की ऑब्जर्वेशन में रही। वहां पर चारू और राजीव दोनों अपने माँ बाप के फर्ज को भरपूर तरीके से निभाते नजर आए और इन्होंने अपनी तस्वीरों को भी शेयर किया है और इन तस्वीरों से ये साफ कर दिया है कि ये अपनी बेटी के लिए कभी भी पीछे नहीं हटेंगे और अपनी बीच की जो भी दूरियां हैं, जो भी कड़वाहट है रिश्ते में, उसे बिल्कुल भुलाकर अपनी बेटी के करीब रहना ही इनकी पहली प्रायोरिटी है। अब ऐसे में हम भी यही दुआ करते हैं कि चारू और राजीव की बेटी नन्ही सी जियाना, जो कि अभी एक साल की भी नहीं हुई है, वो जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए और हम तो ये भी कामना करते हैं कि चारू और राजीव के रिश्ते में कभी भी दूरियां ना आए। कैसा लगा आपको हमारा वीडियो, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इस वीडियो में इतना ही।